आज हम आपको कोलंबिया के एक और कुख्यात सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम डैनियल बारबोसा था। डैनियल ने 1970 से 1980 के बीच कोलंबिया और इक्वाडोर में 72 से 180 युवा लड़कियों की हत्या की। सीरियल किलर लुइस अल्फ्रेडो ग्रेविटो और पेड्रो लोपेज की तरह डैनियल भी खौफ का दूसरा नाम बन गया। अगर कहीं कोई सीरियल किलर की सूची होती तो डैनियल भी लुइस और पेड्रो की तरह इसमें शामिल होने के योग्य था। मैंने आपको इससे पहले लुइस और पेड्रो की कहानी भी बताई, अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। जैसे कि बहुत से सीरियल किलर्स का बचपन आम नहीं होता, डैनियल का बचपन भी काफ़ी सीरियल किलर्स की तरह आसान नहीं था। जब वह छोटा लड़का था तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके पिता भावनात्मक रूप से उससे दूर हो गए। उसके पिता ने दूसरी शादी भी कर ली। डैनियल की सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ सही नहीं होता, वो हर बात पर उसे नीचा दिखाती और अक्सर अपने दोस्तों के सामने कुछ ऐसा करती कि डैनियल का मजाक बन जाता, जिससे वह हीन भावना का शिकार होने लगा था। जिन लोगों ने उसके जीवन का अध्ययन किया है वे कहते हैं कि बुरी परवरिश ने डैनियल को दुनिया का अब तक का सबसे सफल सीरियल किलर बनने में अहम भूमिका निभाई। 1970 और 1980 के दशक के दौरान यह माना जाता रहा है कि उसने कोलंबिया और इक्वाडोर में 150 से अधिक लड़कियों का बलात्कार कर उनकी हत्या की। बारबोसा का जन्म 22 जनवरी 1930 को कोलंबिया में हुआ था। उसे पहली बार बोगोटा में 24 मई 1958 को मामूली चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह उन अपराधों की तुलना में कुछ भी नहीं था जो वो आगे करने वाला था। वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में उसकी वजह से ही वह एक खूंखार सीरियल किलर बना। डैनियल की शादी अल्सीरा से पहले से हो रखी थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन उसे एक दूसरी लड़की एस्परेंजा से प्यार हो गया। वह उससे बहुत प्यार करता था। उसने कथित तौर पर अपने नए प्यार से शादी करने की योजना भी बना ली थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह जिस लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है वो कुंवारी नहीं है। इसके बाद डैनियल ने एस्परेंजा से समझौता किया कि वह उसके साथ तो रहेगा, मगर उसे उसके लिए कुंवारी लड़कियां ढूंढ कर लानी पड़ेगी। और कमाल की बात है, एस्परेंजा भी तैयार हो गई इस बेतुके से समझौते पर, और इस तरह से वो अपराध की दुनिया में उसके साथी बने। और फिर शुरू हुआ सिलसिला रेप्स और मर्डर के दर्दनाक कहानी। एस्परेंजा युवा लड़कियों से दोस्ती करके एक अपार्टमेंट में ले जाती और फिर उन्हें नींद की गोलियां खिला देती ताकि डैनियल उनका बलात्कार कर सके, क्योंकि वो एक लड़की थी जिस कारण पीड़ित लड़कियां उनके साथ सहज हो जाती। उन्होंने इस तरह की घटनाएं 5 लड़कियों के साथ किए, मगर रेप के बाद उन दोनों ने किसी का मर्डर नहीं किया था। लेकिन 5वीं लड़की ने रेप के बाद जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिसके बाद डैनियल और एस्परेंजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 10 अप्रैल 1964 को डैनियल को कन्विक्ट कर दिया गया। जज ने डैनियल को 3 साल की सजा सुनाई। डैनियल शुरू में जज की कथित उदारता के लिए आभारी था, उसने पश्चाताप करने और तरीके सुधारने की शपथ भी ली, लेकिन तभी एक नए जज को इस केस में प्राथमिकता दे दी गई। नए जज ने केस की दोबारा से स्टडी करने के बाद डैनियल की सजा को बढ़ाकर 8 साल जेल की सजा कर दी। इस कार्रवाई ने कथित तौर पर डैनियल को विद्रोही क्रोध के लिए उकसाया। उसने अपनी पूरी सजा काटी और फिर उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन अब जो इंसान जेल से बाहर आया था वो कोई सुधार गृह से सुधरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए प्रेरित एक इंसान बाहर था। जेल से छूटने के बाद उसे 1973 में ब्राजील में देखा। ब्राजील पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो बिना डॉक्यूमेंट दूसरे देश में। उसे ब्राजील सरकार ने कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया। कोलंबिया आने के बाद उसने रोड साइड वेंडर का काम किया, वो रोड साइड टेलीविजन मॉनिटर बेचा था। एक दिन अपने काम पे जाते वक्त रास्ते में वह एक स्कूल के पास से गुजर रहा था, तो उसने एक बच्ची को स्कूल से घर जाते हुए देखा। उसके अंदर का जानवर जाग गया, उसने मात्र 9 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। फिर उसने उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसका रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी ताकि वह उसे पुलिस से पकड़वा ना दे, जैसा कि उसके पिछले शिकार ने किया था। यह उसका पहला क्राइम था जिसमें उसने रेप के साथ हत्या को भी अंजाम दिया। डैनियल ने बच्ची का रेप और मर्डर तो कर दिया था और उसकी लाश को भी छुपा दिया था, लेकिन उससे एक गलती हो गई। जब वो ये सब कर रहा था तब उसके पास एक मॉनिटर भी था जो वो वेंडर के तौर पर बेचा करता था। वो मॉनिटर उससे घटनास्थल पर ही छूट गया था। जैसे कि कहते हैं बुरा का अंजाम बुरा होता है, डैनियल उस मॉनिटर को वापस लेने के लिए दोबारा घटनास्थल पर पहुंच गया, लेकिन वहां पुलिस उसका पहले से इंतजार कर 3 मई 1974 को पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर उस बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया। शुरुआत में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसकी सजा को घटाकर 25 साल कर दिया गया। 24 दिसंबर 1977 को उसे गोरगांव आइलैंड के एक जेल में भेज दिया गया। आप सोच रहे होंगे ये कहानी का अंत, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था।
1984 के नवंबर में बारबोसा नाव की मदद से जेल से भागा। अधिकारियों ने मान लिया कि वह समुद्र में मर गया है और प्रेस ने बताया कि उसे साथ में खा लिया होगा। लेकिन इन दोनों का अनुमान गलत था, क्योंकि वो जिंदा था और इक्वाडोर पहुंच गया था। 18 दिसंबर को उसने इक्वाडोर के क्योडा शहर से एक और 9 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया। अगले ही दिन एक 10 साल की बच्ची और गायब हो। 1984 से 1986 तक बारबोसा ने कम से कम 54 लड़कियों का बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। पुलिस पहले तो मान रही थी कि ये सभी मौतें गिरोह का काम है, क्योंकि यह मानना किसी के लिए भी सहज नहीं था कि एक आदमी खुद से इतने लोगों को मार सकता है। इधर डैनियल एक होमलेस इंसान की तरह रोड पे सोता, अपने विक्टिम से चुराए चीज़ों को बेचकर खुद का पेट भरता और लगातार क्राइम्स करते जाता। उसके क्राइम करने का तरीका बेहद ही अलग था। वो पहले ऐसी लड़कियों को ढूंढता जो एक मिडिल क्लास हो, जिसको जॉब की ज़रूरत हो और वो अकेली हो। फिर उसके पास जाता और उसे कहता कि वो एक फॉरनर है जिसे इस शहर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और वो यहाँ शहर के बाहर चर्च में जाना चाहता है। अगर वो लड़की उसे वहाँ तक ले जाएगी तो वो उसे उसके लिए पैसे देगा। क्योंकि वो उम्रदराज दिखता था, इसलिए शायद लड़कियाँ उसकी बात मान जाती थी बिना कोई शक के। जैसे ही वो उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ जाती, कोई भी सुनसान जगह देखकर वो अपना असली रूप दिखा देता। डैनियल को फरवरी 1986 में 9 साल की बच्ची एलिजाबेथ की हत्या करने के तुरंत बाद 2 पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि डैनियल हत्या करके निकल रहा था, तभी पेट्रोलिंग पुलिस वहां से गुजर रही थी। उनकी नज़र डैनियल पे पड़ी, वो संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। उन्होंने उसे रोका और नॉर्मल पूछताछ की और उसकी तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि उसके पास एक बैग था जिसमें खून से सने कपड़े पड़े थे। इस इत्तफाकन गिरफ्तारी ने अंततः 2 देशों में डैनियल की हत्या की होड़ को समाप्त कर दी। डैनियल ने कोलंबियन जेल से भागने के बाद इक्वाडोर में 71 लड़कियों की हत्या करने की बात कबूल की। उसने अधिकारियों को वह जगह भी दिखाई जहां उसने शवों को फेंक रखा था। डैनियल बारबोसा को 1989 में दोषी ठहराया गया और 16 साल की जेल की सजा सुनाई। वो इक्वाडोर में उपलब्ध अधिकतम सजा थी। नवंबर 1994 में प्रतिशोध के रूप में उसके पीड़ितों में से एक के चचेरे भाई ने जेल में उसकी चाकू से हत्या कर दी। इस तरह डैनियल बारबोसा के जीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस देखें। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।